तो कहते हैं विकास के नाम पे हमने सरकार बनाई। हाँ, विकास की होर्डिंग लगी हैं, विकास की होर्डिंग्स हैं, लगी हैं जगह जगह, लेकिन विकास नहीं, अस्पताल के अंदर बेड नहीं, इलाज नहीं, दवाई नहीं। ये उचित समय है कि छोटे छोटे टुकड़े में बट करके देश को बर्बाद मत करिए, बल्कि सब लोग आइए और कांग्रेस के साथ आइए। कांग्रेस को मजबूत किए बिना किसी भी हालत में फांसीवाद को रोका नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। बीजेपी की पिछली सरकार में सीतापुर से विधायक रहे राकेश राठौर ने बीजेपी का कई बार विरोध किया, फिर वो सपा में गए, अब इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। हम बात कर लेते हैं, सत्ता में रहते हुए आपने बीजेपी के विधायक थे, तब भी आपने उनका विरोध किया था, और ये बड़ा मुश्किल होता है, आमतौर से कम देखने को मिलता है, क्या विरोध था वो, किन नीतियों को लेकर? जिन मुद्दों को लेकर लोगों ने हमको सदन में भेजा था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो मुद्दे बेमानी थे। एक विधायक की हैसियत वो अपने सामने घरेलू नौकर की तरह से रखते हैं, विधायक की हैसियत नहीं कि अपने मचे हुए भ्रष्टाचार और को रोक सके। अब विकास के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, विकास तो आपको चारों ओर दिख ही रहा क्या होता है। तो कहते हैं विकास के नाम पे हमने सरकार बनाई। हाँ, विकास की होर्डिंग लगी हैं, विकास की होर्डिंग्स हैं, लगी हैं जगह जगह, लेकिन विकास नहीं, अस्पताल के अंदर बेड नहीं, इलाज नहीं, दवाई नहीं, ये आए दिन आप लोग देखते रहते हैं और सब कुछ चलता रहता है। तो बातें हैं, बातों में लोग फंसे हुए हैं, और लेकिन जल्द ही इनका पर्दाफाश होना है, और हम लोगों की तो हार्दिक इच्छा है कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू का भी आगाज हो, और ये जो ये दूसरी वाली बेल्ट उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की रहेगी है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी उखड़े। कांग्रेस से जुड़े हैं आप, काफ़ी लोग कह रहे हैं जो है राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस से जुड़े, तो क्या यात्रा का असर है ये राहुल जी की? जी, राहुल यात्रा का बहुत असर है। जिस तरीके से राहुल जी ने पूरे भारत को जानने का प्रयास किया है और जिस तरीके का पूरे भारत का जुड़ाव हुआ है उनके साथ है, ये हम सबके लिए अनुकरणीय है, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि अपने नेतृत्व के नक्शे कदम पे चल के कांग्रेस को मजबूत करें। राकेश जी, आखिरी सवाल है, किस विचारधारा की सोच के साथ आप कांग्रेस से जुड़े हैं, फिर प्लस 2024 में चुनाव है, तो क्या कुछ आपके सीतापुर के आपके जो ज़मीनी मुद्दे हैं उसे देख रहे हैं? 2024 में हम लोग चाहेंगे कि जहाँ भी पार्टी का उपयोग हो, लोकसभा में हम लोग पूरी ताकत से काम करेंगे, और जहाँ भी पार्टी हम लोगों का उपयोग करेगी वहाँ पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। शुक्रिया भाई। देश का लोकतंत्र संकट में है, देश के लोगों की जबान संकट में है, देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, देश की सीमाएं संकट में है, और देश की विदेश नीति संकट में है। इसलिए मैं पूरे देश के सारे समाजवादियों से अपील करता हूँ, यह उचित समय है कि छोटे छोटे टुकड़े में बट करके देश को बर्बाद मत करिए, बल्कि सब लोग आइए और कांग्रेस के साथ आइए। संभव हो तो कांग्रेस में आइए, और अगर कांग्रेस में आने में थोड़ी बहुत हिचक हो रही हो तो थोड़ा सोच लीजिए, लेकिन तब तक कांग्रेस के साथ आइए। ये मेरी सबसे अपील है, और कांग्रेस को मजबूत किए बिना किसी भी हालत में फांसीवाद को रोका नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। इसलिए मैं कांग्रेस में एक साधारण कार्यकर्ता बनकर आया हूँ, जो पार्टी मुझको आदेश देगी मैं उस काम को करूंगा, दौरा करने को कहेगी दौरा करूंगा, जो भी काम कहेगी करूंगा, लेकिन सारे लिखने पढ़ने सोचने समझने वालों की आज जिम्मेदारी है। हिटलर भी जब आगे बढ़ रहा था तो उसके सारे समर्थक ये कहते थे जो कर रहा अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस दिन हिटलर ने आत्महत्या कर लिया उस दिन उनमें आपस में मारकाट शुरू हो गई, और उसी जनता ने हिटलर के लोगों को मारना शुरू कर दिया। वही परिस्थितियाँ भारत देश के अंदर दिखलाई पड़ रही हैं। अगर हमको हिटलर का जर्मनी बनने से बचाना है, अगर हमको मुसोलिनी का इटली बनने से बचाना है, तो हम सबको आपको मिल करके फांसीवाद को रोकना ही पड़ेगा, और फांसीवाद के पैरों को जितनी जल्दी रोक देंगे उतना ही हमारे आपके भविष्य की पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी और खुशहाल रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी की जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकली उससे ये काफ़ी प्रभावित हुए, उनकी जो नीतियाँ थीं और जो उनकी विचारधारा थी उसने काफ़ी असर डाला, और अब इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, और निश्चित रूप से अब ये आगे की लड़ाई जो राजनीति की है वो कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, हैशटैग भारत न्यूज़ लखनऊ।